हेलो दोस्तों, आज अभी जो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे वो जो एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ है अभी बीपीएससी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होना था, 5 अप्रैल 2021 को, तो उसका एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है जो कि अब 11 अप्रैल 2021 को होगा। तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जब आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर डेट एक्सटेंशन का नोटिस आया है अभी 17 मार्च को, पहले ये होना था 5 अप्रैल को। तो हम आपको दिखाते हैं कि जो पहले नोटिस आया था वो नोटिस में एक्चुअली लिखा क्या था। इस नोटिस में है, और ये नोटिस आपको आया था 14 दिसंबर को आया था। इसका जो डेट था वो है ये 14/12/2020 का ये नोटिस बोर्ड है। तो इसमें जो विज्ञापन जिसमें लिखा था नोटिस में ये था कि विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत उद्योग विभाग बिहार के जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के पदों पर चयन नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 7/2/2021 को निर्धारित की गई थी। यानी 7 फरवरी 2021 को ये एग्ज़ाम पहले होने वाले थे, वहाँ से फिर रिशेड्यूल हुआ, फिर वो अपरिहार्य कारणवश इसे रद्द करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की नई तिथि दिनांक 5/4/2021 को निर्धारित की गई की जाती है। ये आपका नोटिस कब का है? 14 दिसंबर को इन्होंने नोटिस दिया कि ये एग्ज़ाम जो होने वाला था पहले 7 फरवरी 2021 को होने वाला था, फिर बाद में इसे रिशेड्यूल करके 5 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया था। फिर ये रिशेड्यूल हो करके आपको हम अगला नोटिस दिखाते हैं। ये देखिए, ये नोटिस आपका है, ये नोटिस आपको आया है 17 मार्च को। नोटिस डेट है ये है 17 मार्च 2021। ये 17 मार्च 2021 का नोटिस है। जब आप बीपीएससी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नोटिस आया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत उद्योग विभाग बिहार के जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 5/4/2021 को आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणवश अब दिनांक 11/4/2021 को 12 बजे मध्याह्न से 2:15 बजे तक अपराह्न तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। यानी अब जो ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो 11 अप्रैल 2021 को होगा। पहले ये 5 तारीख को होना था, 5 अप्रैल को होना था, अब ये 11 अप्रैल को होगा। और जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जिसका एज ज़्यादा था या कम था, जो बच्चे ऐसे ही भर दिए थे उनके लिए नोटिस नीचे में लिखा हुआ है कि कम से कम कम या अधिक उम्र के आधार पर अनिहित तथा एक उम्मीदवार का 2 या 2 से अधिक ऑनलाइन आवेदनों की समाहित सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। किसी उम्मीदवार को अपनी अनाहर्ता आपत्ति हो तो संगत साक्ष के साथ अपनी आपत्ति आयोग के ईमेल bpsc.pat-bih@nic.in पर दिनांक 31/3/2021 यानी 31 मार्च तक की संध्या 5 बजे तक या उसके पूर्व आयोग को भेज सकते हैं। दिनांक 31/3/2021 के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपका जो नोटिस आया हुआ है 17 मार्च 2021 का नोटिस है। तो अब आप जिन बच्चों का या तो 2 बार इनका ओवर एज या मिनिमम एज हो चुका है, वो भी अप्लाई कर चुके थे, तो उनका जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया, उनको नोटिस दिया गया कि आपको अगर लगता है कि आप जेन्यून हैं तो आप 31 मार्च तक उस
बीपीएससी का जो मेल आईडी दे रखा है इस पे आप जा करके मतलब डॉक्यूमेंट के साथ आप उसे कंसर्न कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप सही हैं या क्या है। आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए और उनको भेजिए। और बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ था कि सेम मतलब एक नहीं दो दो बार तीन तीन बार वो एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके थे। तो अब ये एग्ज़ाम होगा कहाँ कहाँ? पहला है आपका पटना, चार जगह बस एग्ज़ाम होगा ये, पहला पटना, दूसरा गया और तीसरा है आपका मुजफ्फरपुर। और चौथा है आपका भागलपुर। ये चार जगह आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम टाइमिंग जो होगा, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है? ये एग्ज़ाम टाइम आपका है 12 noon to 2:15 PM। और एग्ज़ाम डेट क्या हो गया आपका? डेट हो गया आपका 11/4/2021। तो फ्रेंड्स आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना है। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स का मैंने क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे दिया और मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, आपका कोशिश करूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी आपका सिलेबस है तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के जो भी सिलेबस है उस चीज़ पर हम लोग एक एक करके टॉपिक का डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा नोटिस ये है कि किसी कुछ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए वहाँ से। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा बहुत सारे चीज़ें हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है जहाँ से आपको कलेक्शन मिल सकता है आप वहाँ से पढ़िए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी एक ही जगह से पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, तो अब आप 11 अप्रैल के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए, सारा चीज़ कीजिए। एग्ज़ाम टाइम भी आपको पता चल गया, कहाँ होगा एग्ज़ाम, चार सेंटर का भी आपको पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारा चीज़ प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।